अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परवीन्स किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगी आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है किस तरह हम बनाते हैं कोकनी स्टाइल में कलेजी कल्डी। तो जो आज मैं कर रही हूँ कलेजी, यू नो लिवर, उसको हम किस तरह कल्डा करते हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ज़रूर आप लोग बनाएं, बहुत ही अच्छे से बनती भी है और टेस्टी लगती है। वो जो है हम चावल के रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या तो गेहूँ की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। 250 ग्राम कलेजी लीवर, ओके, उसके हमने इस तरह पीसेस किए हैं। ठीक है, इस तरह हमने उसको पीसेस में कट किया है। और ये है 2 बिग ऑनियन। ये मैं ऑनियन के बारे में कुछ कहना चाहूँगी, मैं थोड़ी सी बिजी रहती हूँ इसके लिए मैं ऑनियन को फ्राई करती हूँ और फ्रीज़र करती हूँ, फिर हाफ़ कुक करके उसको फ्रीज़र करती हूँ, फिर फटाफट बनता है। इसके लिए मैंने ये हाफ़ कुक किया हुआ ऑनियन जो है वो मैंने ली हूँ। इसकी क्वांटिटी जो है 2 ऑनियन मीडियम को हमने लिया है, ओके। इसके लिए हमने 2 ऑनियन मीडियम लिए हैं और 1.5 टमाटर है, इसको हमने इस तरह छोटा छोटा कट किया है। उसके साथ हमने टेस्ट के हिसाब से नमक है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ग्रीन चिली, ग्रीन धनिया और ये है मसाले, उसमें हमने लिया है 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून बड़ी सौंफ और ये है 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इंग्रेडिएंट्स आप चलो हम बनाते हैं कलेजी कल्डी कलेजी। पॉट रखी हूँ, ऑयल डालेंगे, फ्लेम जो है हाई करेंगे और इसके अंदर हम ये ऑनियन जो है वो ऐड करेंगे। ये ऑनियन जो है हल्का ब्राउन हुआ है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से हम उसको भूनेंगे। लहसुन का पेस्ट अच्छे से हमने भून लिया, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट ना हो जाए। थे और सकते हैं टमाटर अच्छे से गल गए, सॉफ्ट हुआ है टमाटर। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी धनिया और ये सारे मसाले जो है वो ऐड करेंगे। सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए इस तरह बनाते हैं, इसको कोकनी वर्ड्स है कल्डा, यू नो, तो ये ऑलमोस्ट कल्डा है, कोकनी डिश कल्डी कलेजी। हम इसको अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से भूनने के बाद हम अब इसके अंदर ये जो कलेजी है वो ऐड करेंगे, ओके। थोड़ा हम इसको मसाले में कुक करेंगे, फिर हम पानी जो है वो ऐड करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, जबरदस्त।
अब हम आधा कप जो है पानी ऐड करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से हमने पानी भी बराबर डाला है। अब हम इसको 10 मिनट कुक करेंगे, कलेजी जो है हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। क्या 10 मिनट हमने कुक किया है। देखिए अच्छे से कलेजी जो है हो गई है, और इसको कलड़ा कहते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है, टेस्टी, आप लोग भी ज़रूर बनाइए। ओके अब हम इसको डिश आउट करते हैं। थोड़ी हम धनिया ऐड करेंगे ऊपर, अब हम फ्लेम जो है बंद करते हैं। लीजिए हो गई तैयार हमारी कलेजी कलड़ी। अब हम इसको प्लेटिंग करते हैं। देखिए हमने प्लेटिंग की है, जो मेरे माँ के लिए सर्व कर रही थी वो आपको दिखाती हूँ। हमने इसको सर्व किया है चावल की रोटी के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इजी टेस्टी रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।